हेलो फ्रेंड्स आज हम क्लास फाइव का जीके का थर्टी टू नंबर वाला जो चैप्टर है वो करेंगे चैप्टर का नाम है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट साइंस से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये जो इंस्ट्रूमेंट है नॉर्मली हमारे घर में भी मिलते हैं इंजीनियर्स डॉक्टर्स साइंटिस्ट सब इनका यूज़ जो है वो करते हैं तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं नंबर वन की अगर हम बात करें तो नंबर वन पे आता है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर नॉर्मली हमें पता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थर्मोमीटर थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेज़र करता है थर्मोमीटर टेम्परेचर मेज़र करता है एंड जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वी यूज़ फॉर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर्स ठीक है तो ह्यूमन बॉडी जो है उसका जो टेम्परेचर है उसकी जो बॉडी हीट है उसको अगर आप मेज़र करना चाहते हो तो वी यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर तो जो फर्स्ट है उसका आपका आंसर जो है वो एफ होगा इट इज़ यूज टू मेजर द बॉडी हीट ऑफ अ पर्सन तो फर्स्ट नंबर आपका हो गया क्लिनिकल थर्मोमीटर जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट हमारा आता है वो है फ्लो मीटर नाम से ही पता चल रहा है ऑब्वियसली इससे किसी ना किसी का फ्लो मेजर किया जाएगा अब वो फ्लो किसका है तो वो फ्लो है किसी लिक्विड का या फिर गैस का तो फ्लो मीटर है इट इज़ यूज टू मेज़र द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस बाय वॉल्यूम और मास ठीक है तो कोई लिक्विड है कोई गैस है उसका अगर आप फ्लो मेज़र करना चाहते हैं और ये हम वॉल्यूम या मास जो है उसके थ्रू मेज़र करेंगे तो आप बस ये ध्यान रखें फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस वी यूज़ फ्लो मीटर थर्ड नंबर जो है वो आपका आता है माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप से आप क्या करेंगे जो माइनर चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं चाहे चीज़ें हों चाहे आपके जीव जंतु छोटे मोटे जो भी माइक्रोब्स हों तो उनको आप बड़े रूप में एंड लार्ज फॉर्म में अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपका है माइक्रोस्कोप तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन माइक्रोस्कोप इसका जो यूज है वो आपका होता है टू सी एन लार्ज इमेज ऑफ वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा लार्ज बड़े रूप में देखना इन लेबोरेटरीज इट इज़ यूज टू सी माइक्रोब्स लैब्स के अंदर इसका यूज होता है माइक्रोब्स को देखने के लिए तो ये यूज हुआ आपका माइक्रोस्कोप का फोर्थ नंबर अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर पे हमारा आता है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर फोर्थ नंबर पे जो है वो कौन है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन का इसमें कुछ ना कुछ यूज होगा तो ऑक्सीजन जो होता है ना ये जो है वो इट रिमूव्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एयर एयर में अगर नाइट्रोजन गैस है तो उसको रिमूव करने का काम ऑक्सीजन कंसनट्रेटर करेगा एंड सप्लाइज ऑक्सीजन रिच एयर ये क्या करेगा जो ऑक्सीजन से रिच एयर होती है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है ऐसी ऑक्सीजन जो है उसको ये सप्लाई करेगा और नाइट्रोजन जो है उसको एयर से रिमूव कर देगा फिफ्थ अगर इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें तो फिफ्थ नंबर पे आपका आता है टेलीस्कोप इससे दूर की जो चीज़ें हैं वो आप न, आ, देखते हैं वी यूज़ टेलीस्कोप फिफ्थ का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा जी इट इज़ यूज टू सी हेवनली बॉडीज़ फ्रॉम दी अर्थ अर्थ से बाहर जो भी आपकी अर्थ से खड़े होके अगर आप ये हेवनली बॉडीज़ जो भी आपके अंतरिक्ष में स्पेस में जो भी हैं उनको अगर देखने के लिए हम यूज़ करें तो दिस इज टेलीस्कोप सिक्स नंबर इंस्ट्रूमेंट है आपका लैक्टोमीटर 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 क्या करेगा ये जो है वो मिल्क की प्योरिटी जो है उसको चेक करेगा अगर आप मिल्क की प्योरिटी चेक करना चाहते हैं कितना पानी कितना दूध है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेक्टोमीटर का लैक्टोमीटर इट इज यूज टू चेक फॉर प्योरिटी ऑफ मिल्क मिल्क की अगर प्योरिटी चेक करनी है तो वी यूज लैक्टोमीटर और इसमें जो है वो इसकी डेंसिटी जो है वो मेजर करके प्योरिटी ऑफ मिल्क निकाला जाता है सेवन नंबर हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है दिस इज पल्स ऑक्सीमीटर पल्स ऑक्सीमीटर दिस इज़ पल्स ऑक्सीमीटर इससे क्या होगा आप पल्स जो भी है मतलब आपके ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कितना है इसको अगर डिटेक्ट करना है तो वी यूज़ पल्स ऑक्सीमीटर और ये अभी कोविड में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था इट रेपली डिटेक्ट चेंजेस इन योर ब्लड ऑक्सीजन लेवल हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कितना चेंज होता है क्या होता है तो उसके लिए अगर आप मेजर करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट होगा आपका पल्स ऑक्सीमीटर एंड लास्ट वन इज रेन गेज लास्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है रेन गेज रेन गेज जो है वो आपकी रेन जो है उसका मेजरमेंट लेगा एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी रेन हुई है कितना रेनफॉल हुआ है इसे मेज़र किया जाएगा रेन रेन गेज इट इज़ यूज टू मेज़र द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर एन एरिया एन अ प्रिडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम रेनफॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल ध्यान रखिएगा मेज़र द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रेनफॉल को अगर मेजर करना है तो वी यूज़ रेन गेज तो ये हमारा चैप्टर थर्टी टू था आ, वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ बताइएगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग